हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बना रही हूँ मैं सूजी और आलू की पूरियाँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने सूजी को मैंने मिक्सी जार में पीस लिया है बारीक। इसको मैंने एक बर्तन में डाल दिया है और साथ में मैंने दो बॉयल आलू लेके इसको अच्छे से मैश करके रख दिए थे। इसको भी मैंने इसमें मिक्स कर लिया है और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लिया है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर लिया है। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देख सकते हैं, इसको मैं अच्छे से मिक्स मैंने ये कर लिया है। और ऊपर अब इसमें मैं 2 चम्मच गेहूँ का आटा डाल लूँगी और हाथ में थोड़ा सा पानी लगा के इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लूँगी। ये डो मेरा बन के तैयार हो चुका है और हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको मैं अच्छे से आटे पे ऑयल अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे अब मैं छोटी छोटी लोइयाँ बना के इनकी पूरियाँ बना लूँगी। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तेल गरम हो चुका था मेरा और एक एक करके पूरियाँ इसमें तल लूँगी। ये देख सकते हैं कितनी फूली फूली और कितनी क्रिस्पी पूरियाँ बनी हैं। ये देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ रखा है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही मैं सारी पूरियों को तल के रेडी कर लूँगी। ये देख सकते हैं, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर करें। बच्चे बड़े सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आती है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो इन्जॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।